पति है नहीं, पति था, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। तुम खुशी खुशी मेरे पति को अपना पति मान लो, मैं उन्हें ले जाने नहीं आई हूँ, मुझे मुझे उनसे कुछ काम है। महेश, महेश, महेश! ए, चुप करो, ये सड़क छाप की तरह यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। महेश अमेरिका गए हैं अपने कुछ काम से। तुम्हारे इसी पैसे के लालच में महेश ने हमको इस हालत में छोड़ दिया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी हालत बहुत लाचार है। देखो कितने महीने तो मैंने जैसे तैसे गुजारे, लेकिन लेकिन आगे मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी? मेरे पास इतनी कौड़ी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। तो अब तक तुम्हारा कोई पैतरा काम नहीं आया, तो ये बच्चे के बहाने से महेश को मुझसे छीनने आई हो? प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसे दे दो। ये ले, यही तेरी औकात है। उसके एक धक्के ने मुझे इतना कमजोर बना दिया। पर भाई साथ में तुझे एक अद्भुत ताकत भी तो मिली है। तू हर उस लालची औरत का चेहरा उसके शरीर से अलग कर सकता है जिसे खुद पर घमंड है। चेहरे, इतने चेहरे उतार चुका हूं। वो चेहरा नहीं आया, मेरे हाथ नहीं आया है। और भाई ये ढेर सारा सोना तो हाथ आया है ना, तुझे याद है ना माँ के जन्मदिन पर उसे क्या तोहफा देना है? और भाई अगर माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ इस घर में, तो मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, राजा को दूध पिलाए बिना ही सोने चली थी। तू चिंता मत कर, तू इतने महीनों से यहाँ है, माँ को शक भी नहीं हुआ, आगे भी पता नहीं चलेगा। चल मैं आपके पास चलूं। राजा मेरा दूध पी लो। ये कहाँ चला गया? रामू पानी लेके आना। रामू कहाँ मर गया, पानी लेके जल्दी आ। मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो बाहर।
क्या लगा था तुम्हें? क्या लगा था कि तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंकते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा क्यों किया ऐसा? क्यों इतने मासूम औरतों की जान ली तुम लोगों ने? ऐसी हैवानियत कैसी है तुम दोनों में? कैसी हैवानियत? कहाँ से आ गई तुम दोनों? कहाँ से आ गई? क्यों सुंदर को यहाँ ले आया बोलो? क्यों ले आए इसे अपने घर में? क्यों अपने इस घिनौने काम में साथ देने के लिए इसे असाइलम से यहाँ तक ले आए हो? क्यों? माम, माम वो मेरा भाई है, उसे उस पागल खाने में कैसे सड़ने देता मैं? तेरा वो भाई है तो मेरा कुछ नहीं है। मैंने इसे वहां इसलिए रखा ताकि वो इस घिनौनी दुनिया से दूर रह सके, ताकि इसके मासूम दिमाग में उन बुरी चीजों का कोई असर ना पड़े। तुम इसे यहाँ ले आए अपना बदला पूरा करने के लिए ताकि वो इन सबका खून कर सके? माँ मेरा यकीन करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, मैं सच बोल रहा हूँ माँ, ये सब तुम्हारे नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। मैंने कभी बदला नहीं चाहा था, ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी। तुम दोनों खूनी हो, तुम दोनों गुनहगार हो। और मेरे इस घर में गुनहगार के लिए कोई जगह नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, वो लोग आते ही होंगे तुम दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। रणवीर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, डेथ। जवान क्या It's a damn human skin. जवान, वो जो लड़कियां जिनका मर्डर हुआ है, जिनके चेहरे पे से उनकी स्किन हटा दी गई है, वो स्किन यहाँ इन इन मैनिक्विंस पे लगाई गई है। What are you saying? Oh my God, यहाँ पे Ranveer, you're correct. यहाँ पे हो क्या है? Ranveer, yeah. कुछ मिला क्या? ये देखो, इनके गुनाहों का रंग बिरंगा चिट्ठा, ये सब वो जगहें हैं जहां पर अभी तक हादसे हो चुके हैं। जे जे स्ट्रीट क्लिक। समझ आ रहा है, अब इनका आखिरी शिकार जे जे स्ट्रीट पे है। लेट्स गो। वही जगह है भाई, आखिर नहीं गया।
सुनो तो जय संध्या, इस सिक्के को पहचानती हो तुम? क्या मजाक है ये? संध्या, राजू, कुछ फायदा नहीं। इस फोटो में जो मासूम औरत है उसे पहचानती हो तुम? ये तो मालती है। हाँ, मालती देवी, वही मालती देवी जो परसों पहले तेरे पास दया की भीख मांगने आई थी। मैं उसी मालती देवी का बेटा जिसे गर्भवती होते हुए भी तुमने यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तुमने मेरी माँ को ठोकर मारी थी, आज उसी ठोकर का कर्ज अदा करोगी तुम। देखो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी और मदद दोनों सही समय पर ना मिले ना तो बेकार हो जाती है। देखो देखो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहो ना ये सब को चला, सब ले लो तुम, ये सब। माफी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत ही तुम्हारी माफी है। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। राजू, संध्या, राजू। हो गया। सुंदर। आज तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। ना तो मिसेज उषा है, ना ही उनकी डेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि उसने उन्हें मारा नहीं है। क्यों? अगर वो जिंदा है घूमकर वो लेके कहां जा सकता है? वेट, लेट मी चेक। रणवीर, ये देखो, ये वो जगह है जहां पर अभी तक हादसे हुए। इसमें से वो लोग कहां जा सकते हैं? यहाँ पर नहीं जा सकते। एक सेकंड। लुक एट दिस, ये सारी जगहें एक दूसरे से कनेक्टेड है सिवाय इस पॉइंट के। चलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सारी कहानी का अंजाम यहाँ पूरा करने वाला। पॉसिबल, आई थिंक वी शुड गो। गो 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 गो। दौलत और अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है ना तुझे? सोने की चमक
बहुत पसंद है ना तुझे। अब देख कैसे इस जलते हुए सोने में तेरे इस शरीर को पिघलाकर हम उसकी मूर्ति बनाते। आज हमारी माँ का जन्मदिन है तो तोहफे में उसे कुछ तो देना ही होगा। माँ कौनसी जगह है? ये मुझे कहाँ ले आए तुम? हाँ। ये राजा, ये यहाँ क्या कर रही? क्यों ले आए उसे यहाँ? Happy birthday to you, happy birthday to you. माँ, आज तेरा जन्मदिन है ना? देख तेरे जन्मदिन पर हम क्या तोहफा लेकर आए हैं माँ। बंद करो अपना ये पागल पर। नहीं चाहिए मुझे ये तोहफा। इस गुस्से ने तुम दोनों को पागल बना के रखा है। क्या मिला है तुम्हें ये सब कुछ करके? किस बात की कमी है? 25 साल हो गए इस बात को गए। देखो बेटा, मैं उस घटना को कब से भूल चुकी हूँ। तुम दोनों भी भूल जाओ ना उसे। तेरा दिल बहुत बड़ा है माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस औरत को इसके किए की सजा ना मिले। जितनी भी चोटें इसने तुझे पहुंचाई है ना, उसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। सुंदर, सब सब मैम सुंदर नहीं, सुंदर कुछ नहीं होगा, सुंदर कुछ नहीं होगा, सुंदर